12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी के युवा जिला अध्यक्ष कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के स्वागत समारोह की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में सभी मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री उपस्थित थे। संथाल परगना परवारी सौरभ कश्यप, देवघर जिला के मीडिया प्रभारी एवं सभी प्रखंड और जिला के मंडल और महामंत्री मौजूद थे, जिसमें सभी जिलों के मंडल और महामंत्री को बताया गया कि सबको अपने अपने कार्य को सही तरीके से करना है और अपने अपने कार्य में रहना होगा। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस दिन एयरपोर्ट बना है उसका उद्घाटन करेंगे। एम्स में जो 250 बेड का नया बिल्डिंग बना है उसका उद्घाटन करेंगे। हसडिया से महागामा तक 4 लेन रोड बनने वाला है उसका उद्घाटन करेंगे। हसडिया में एक अस्पताल का उद्घाटन होना है और कई तरह की सौगात जो जनता के लिए काफी फायदेमंद है, जनता के लिए है, वो सभी सौगातों को उस दिन हम लोगों के समक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी रखेंगे। ये कब आ रहे हैं सर? दिनांक 12 जुलाई 2022 को उनका सौरभ कश्यप, संथाल परगना प्रमंडल प्रभारी, भाजपा युवा मोर्चा झारखंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगामी 12 तारीख को देश के सबसे लोकप्रिय नेता भाई नरेंद्र मोदी जी का आगमन देवघर होने जा रहा है। उसी कार्यक्रम के निमित्त हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्तागण, मंडल के सभी अध्यक्षगण, महामंत्रीगण, जिला के पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण आज अंजलि होटल के सभागार में एकत्रित हुए। हम लोग 12 तारीख को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत युवा मोर्चा की तरफ से किस प्रकार करें, इसी विषय को लेकर आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों का प्लानिंग है कि हम लोग उस दिन 2-3 हज़ार की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रोड के किनारे एक कतारबद्ध तरीके से खड़ा होकर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन व्यवहार करेंगे। अतुल कुमार सिंह, भाजपा के अध्यक्ष।